हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमोक्सिलिन क्लेविनेट टेबलेट के बारे में, साथ ही जानेंगे इसके ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे हम एमोक्सिलिन के साथ में क्लेविनेट क्यों मिलाया जाता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको एमोक्सिलिन क्लेविनेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। एमोक्सिलिन क्लेविनेट ये दो कॉम्बिनेशन की एक दवा है। इसमें जो एमोक्सिलिन है वो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन ग्रुप की एक दवा है और यह एक एंटीबायोटिक टेबलेट है और यह ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए यूज की जाती है। और जो क्लेविनेट है वो बीटा लैक्टम इनहिबिटर है। यह किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक नहीं है और यह बैक्टीरिया में पनपने वाले एंजाइम को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। एमोक्सिलिन क्लेविनेट आपको मार्केट में टेबलेट, सिरप, इंजेक्शन फॉर्म में आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टेबलेट के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। एमोक्सिलिन क्लेविनेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे ऑग्यूमेंटिन, मॉक्सिकाइन सीवी, मेगा सीवी। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। एमोक्सिलिन क्लेविनेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह मार्केट में आपको 375 mg, 625 mg और 1000 mg के स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। और जो 375 mg की टेबलेट है उसमें एमोक्सिलिन 250 mg और क्लेविनेट 125 mg, और जो 625 mg की टेबलेट है उसमें एमोक्सिलिन 500 mg और क्लेविनेट 125 mg, और 1000 mg टेबलेट में एमोक्सिलिन 875 mg और 125 mg क्लेविनेट। ये आपको इस प्रकार की ड्रग स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा हम जानते हैं कि यह एक एंटीबायोटिक टेबलेट है और यह बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए यूज की जाती है। यह टेबलेट कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। यह एक इन्फेक्टेड निमोनिया है जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार और बलगम जैसी समस्या होती है। व्यक्ति को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के कान में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे व्यक्ति के कान में अगर दर्द होता है या कान में पस बनने की समस्या होती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को दाढ़ दांत तथा मसोड़ों में सूजन होती है, दर्द होती है या पस बनने की समस्या होती है तो उसके लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है और ये टेबलेट बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी व्यक्ति को घाव हो गया हो, चोट लग गई हो, घाव पकने लग गया हो, उसमें से मवाद निकलने लग गया हो या किसी एक्सीडेंट के कारण उसको घाव हो गया हो तो उसके लिए भी इस टेबलेट का बहुत अच्छे से यूज किया जाता है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और ये आपको कुछ ही दिन में आपके घाव को ठीक कर देती है। इस टेबलेट का यूज सर्जरी या ऑपरेशन के बाद सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इस टेबलेट का यूज यूटीआई इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के ब्लेडर में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस टेबलेट का यूज सेल्यूलाइटिस नाम की बीमारी के लिए यूज किया जाता है। इस बीमारी में स्किन के ऊपर सूजन आने लगती है। इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं एमोक्सिलिन क्लेविनेट टेबलेट के साइड इफेक्ट की। एमोक्सिलिन क्लेविनेट टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डायरिया, डिजीनेस, स्किन इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और प्रकार के साइड इफेक्ट दिखते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। एमोक्सिलिन क्लेविनेट टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को दिन में 2 बार लिया जा सकता है और इस टेबलेट को खाना खाने के बाद यूज किया जाता है। इस टेबलेट के ऑफिशियली डोज की बात करते हैं तो 60 mg पर kg के हिसाब से इसके डोज दिया जाता है। तो इसके मिनिमम डोज की बात करते हैं तो 35 mg पर kg के हिसाब से इसको दिया जाता है।
इस टेबलेट को यूज करते हैं तो आप एंटासिड टेबलेट जरूर साथ में यूज करें, क्योंकि ये गैस्ट्रिक इरिटेशन भी बना सकती है। अब बात कर लेते हैं वार्निंग और प्रिकॉशंस की। अगर किसी व्यक्ति को एमोक्सिलिन क्लेविनेट टेबलेट से किसी भी प्रकार का रिएक्शन होता है या स्किन रिएक्शन होती है तो आप इस टेबलेट को लेना तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस टेबलेट को प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट, लिवर, किडनी में अगर किसी प्रकार की पुरानी प्रॉब्लम हो या रिसेंट प्रॉब्लम हो तो भी आप इस टेबलेट का बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर किसी व्यक्ति को जॉइंटिस की समस्या हो या फिर कुछ महीने पहले जॉइंटिस हुआ हो तो भी आप इस टेबलेट का यूज ना करें। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं एमोक्सिलिन टेबलेट के साथ क्लेविनेट क्यों मिलाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं एमोक्सिलिन एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है और यह बहुत अच्छा भी काम करता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इस टेबलेट का ज़्यादा यूज कर लेता है तो उसको ड्रग का रेसिस्टेंस होने लगता है। उस कंडीशन में जब उस व्यक्ति को ज़रूरत लगती है तब तो यह एमोक्सिलिन काम नहीं करता है। इस कंडीशन में उस व्यक्ति को एमोक्सिलिन क्लेविनेट के साथ में उस व्यक्ति को दिया जाता है ताकि एमोक्सिलिन बहुत अच्छा काम कर सके। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई दवा का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से इस टेबलेट का इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं कि आपको एमोक्सिलिन क्लेविनेट टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।